दोस्तों देखिए, हम इस वीडियो में क्या दिखाने वाले हैं। जैसे चाबी आप डाले हैं, ठीक है, चाबी ऑन किए तो ऑन करते ही स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद क्या क्या दिक्कत होता है कि कुछ दूर चला गया, देखिए एक्सीलेटर ले रहा पूरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पूरा एक्सीलेटर ले रहा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस वीडियो में ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे कि आप कुछ दूर चलिएगा, ठीक है, कुछ दूर चलिएगा तो उस केस में क्या होता है कि एक्सीलेटर लीजिएगा ना तो एक्सीलेटर काम करना ही बंद कर देगा, नहीं छोड़ तो लीजिएगा तो एक्सीलेटर नहीं पकड़ेगा, चाहे पेट्रोल पर कीजिएगा चाहे सीएनजी पर कीजिएगा, नहीं पकड़ेगा। तो उस केस में क्या हो, फिर कुछ देरी के बाद स्टार्ट कीजिएगा तो फिर पकड़ेगा, फिर कुछ दूर चलिएगा तो फिर वैसे ही आपको एक्सीलेटर नहीं पकड़ेगा। तो उस केस में क्या कीजिएगा, चले हम आगे वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, हम थ्रॉटल बॉडी खोलने का वीडियो बना चुके हैं। हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि होता क्या है गाड़ी में, बजाज BS6 CNG ऑटो में, कि स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, आप गाड़ी आसानी से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन चलते चलते क्या हो रहा है कि एक्सीलेटर जो है छोड़ देता है, चाहे पेट्रोल हो चाहे CNG पर चलाते हो, एक्सीलेटर कुछ दूर चला और एक्सीलेटर काम करना बंद कर दिया। फिर आप चाबी बंद किए, फिर स्टार्ट किए, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता क्या है कि चलते चलते एक्सीलेटर काम करना बंद कर देता है। तो उस केस में क्या कीजिएगा कि ये जो सेंसर है, ये जो आप देख रहे सेंसर, इसको बोलते हैं 3-in-1 सेंसर, दो सेंसर एक में, आप ये चेंज करवा दीजिएगा, ये चेंज करवा दीजिएगा तो आपका गाड़ी जो एक्सीलेटर रास्ता में चलते चलते छोड़ देता है, चाहे पेट्रोल हो चाहे CNG पर हो, तो वो आसानी से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ये सेंसर नहीं चेंज करवाइएगा, अगर नहीं होगा तो पूरा थ्रॉटल बॉडी चेंज करना पड़ेगा। देखिए पार्ट नंबर है, थ्रॉटल बॉडी जो है ये पूरा चेंज करना पड़ेगा अगर 3-in-1 सेंसर नहीं होगा तो, क्योंकि अब स्टार्ट कर रहे हैं, गाड़ी चल रहे हैं और एक्सीलेटर काम करना ही बंद कर देगा तो क्या कीजिएगा, परेशान हो जाइएगा, लोग बोलेगा हेड से प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं दोस्तों, हमारा ये जो वीडियो है बहुत दिन के बाद आया है, क्योंकि मेरे पास मोबाइल का प्रॉब्लम हो गया था। आप वीडियो लगातार होगा, देखिए दोस्तों पार्ट नंबर है 3-in-1 सेंसर, अगर चलते चलते एक्सीलेटर छोड़ दे, चाहे पेट्रोल हो चाहे CNG पर हो, और स्टार्टिंग होने में कोई दिक्कत ना हो, तो आप ये सेंसर बदलवा लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो पूरा थ्रॉटल बॉडी को चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। हाँ देखिए पार्ट नंबर, गौर से देखिए दोस्तों, फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर गाड़ी चल रहा है और चलते चलते एक्सीलेटर काम करना बंद कर दे, हाँ ISEF का वीडियो जो हम बना चुके हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि चलते चलते गाड़ी एक्सीलेटर काम करना बंद कर दे, CNG ऑटो का, बजाज का, अगर चलते चलते एक्सीलेटर काम करना बंद कर देगा तो उस केस में आप 3-in-1 सेंसर कीजिएगा, एक्सीलेटर ही काम नहीं करेगा। चलिए दोस्तों, ऐसा ही वीडियो हम लाते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।